हेलो गाइज, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं ब्लीड एक्सवाईजी। गाइज, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट। हमारे पास में एक यूज़ किया हुआ खाली स्काई शॉट, और इसका यूज़ हम करेंगे एक तोप बनाने में, एक कैनन बनाने में। तोप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ को दूर फेंक सकती है। तो आइडिया कुछ ऐसा है कि ये जो है खाली अंदर से, इसके अंदर हम बारूद डालेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे, और जब हम इसमें आग लगाएंगे तो अंदर प्रेशर बनेगा, जब वो जलेगी और वो जो है ऊपर रखने वाली चीज़ को दूर फेंक देगी। दोस्तों, इसके फ्यूल के लिए हम यूज़ करेंगे बारूद का, और उसके लिए यूज़ करेंगे सूतली बम का। सूतली बम को डायरेक्टली नहीं रखेंगे, इसकी जो बारूद है वो निकाल के रखेंगे। डायरेक्टली रख दिया तो ये ऐसे ही फट जाएगा, और फिर उसके ऊपर आग लगाएंगे। प्रोजेक्टाइल में देखता हूँ कि हमें इसके ऊपर क्या रखना चाहिए, और बाकी तो जो होगा आपको दिखेगा। पूरी उम्मीद है वीडियो में आपको काफी मजा आएगा। मजा आए तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और दोस्तों, यहां पर इस खाली स्काई शॉट का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो ये काफी लंबा है, अंदर से खोखला है, गोल भी है, और साथ ही साथ में काफी मजबूत भी है। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए, और ब्लेड एक्सवाईजी की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइज, हम आ गए अपने खेत में, और यहाँ पर हम चलाएंगे हमारी कैनन को। तो ये है भाई हमारे पास में सूतली बम, जिसकी बारूद हमें निकालनी है और इस खाली स्काई शॉट के अंदर डालनी है। तो फटाफट से निकालते हैं, इसको खोलते हैं। काटने के लिए हम यूज करेंगे इस टाइप के पेपर कटर का, लेकिन ये जो है मुझे लगता है थोड़ा आसानी से खुल जाएगा। तो गाइस, ये निकलता है सूतली बॉम के अंदर, जिसके अंदर है बारूद, और इसको हम काटेंगे तो आपको जो बारूद है वो दिख भी जाएगी। तो गाइस, इसके अंदर हमने दो सूतली बम की बारूद को डाल दिया है। इसके फ्यूज के लिए मैं यूज करूंगा इस तरीके की बत्तियों का, जो कि और कहीं से मैंने निकाली है। यहाँ पर इसका छेद जो कि पहले भी आया हुआ है, तो भाई इसको जो है मैंने इसके अंदर लगा दिया है, और हमें जो है इसके ऊपर आग लगानी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल के लिए मैं यूज करूंगा इस छोटे गिलास का, जो कि इसके ऊपर एकदम फिट आ रहा था यार, बढ़िया से जो है मैंने इसको लगा करके देखा। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखिएगा थोड़ी सी फोर्स के साथ में हट जाता है, और अगर हम इसको ठोकते हैं तो ये काफी देर तक जो है अटका रहता है, लेकिन बाहर आ जाता है। तो गाइस, तोप हमारी तैयार है, लगाते हैं इसके ऊपर आग। और भाई, आप देख सकते हैं जो गिलास है वो काफी दूर जाकर गिरा है, और यार बिल्कुल कामयाब हुई है चीज। यहाँ पर है जो तोप है उसका बचा हुआ पोर्शन, जो कि अपना काम बढ़िया से किया है। बस हुआ ये है कि इस तरीके से कुछ ऐसे आ गया, बाकी इसके अंदर जो है थोड़ी धुआं भी निकल रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमारा जो गिलास है वो जाकर के गिरा है। तो गाइस, गिलास हमारा आ गया है यहाँ पर, और ये जो है थोड़ा सा गर्म भी है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां से जो है लगभग ये होगा एटलीस्ट 60-70 फीट तो होगा, तो इतना दूर आकर के गिरा है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी तोप एक बार फिर से रेडी है, और इस बार मैंने इसके अंदर तीन सूतली बम की बारूद डाली है। तो भाई, लगाते हैं एक बार फिर से आग इसके ऊपर। और भाई, इस बार जो हमारा गिलास है वो अब जा करके नीचे गिरा है, और भाई इतनी ज्यादा देर तक ये हवा में रहा था। इस बार तो मजा आ गया तीन वाले में, और इस बार मैंने थोड़ा सा टाइट भी कर दिया था उसको, इस बार जो काफी ऊपर गया है वो, और दूर भी काफी गया है, और मुझे लगता है अगर ये सीधा जाता तो और भी दूर जाकर के गिरता। तो भाई, गिलास के पास में मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, और काफी तेज चलने के बाद में आप देख सकते हैं गिलास जो है वो यहाँ पर आकर के गिरा है। अगर मैं आपको दिखाऊं हमने लॉन्च कहाँ से किया था, तो वहां से किया था हमने, और ये काफी दूर गया है, इसमें खास बात ये थी इस बार। और यहाँ पे भाई गिरा हुआ अंदर से जो है कुछ येलोइश टाइप हो गया, थोड़ा सा गर्म भी है, तो मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा ज्यादा,
लेकिन यार ये तो कमाल था यार, मजा आया एक्सपेरिमेंट के अंदर यार। मैंने सोचा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल होगा जितना हो रहा है। और अगर आपने देखा होगा गिलास को तो कितना ऊपर गया था, काफी देर तक हवा में भी रहा था। गाइज हमारी लॉन्चिंग साइट पे मैं आकर के देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो तोप का जो नाली थी वो भी फट गई है, हमारा जो स्काई शॉट था उसमें भी एक धमाका हो गया है और इसने काफी दूर तो फेंक दिया गिलास को, काफी ऊंचा भी फेंक दिया लेकिन खुद फट गया है। तो इसकी हालत भी जो है आप देख सकते हैं भाई। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लेड एक्सवाईजी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।